हे भगवान, मेरा नाम वरुण धनेश्वर पंड्या है। ये हमारा नाडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। करीबन 2500 साल का इस मंदिर का इतिहास पाषाण पे लिखित है। किंवदंतियां हैं कि सिद्धराज जयसिंह ने इस मंदिर के चारों ओर चार गांव प्रदान किए थे, भेंट किए थे, और इस जगह का नाम चोखंडा हुआ। यह स्वयंभू महादेव जी का मंदिर है। पासी में समुद्र है, समुद्र में से भगवान नाडेश्वर महादेव का प्रादुर्भाव हुआ और इसी कारण इस महादेव जी का नाम नाडेश्वर पड़ा है। और आज भी स्वयंभू मंदिर है, जागृत जगह है और बहुत से लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर तपस्या की है। एक ब्राह्मण ने यहाँ पर कमल पूजा की थी। इस कमल पूजा में उन्होंने अपना मस्तक भगवान श्री महादेव जी को अर्पण किया था। आज उनकी भी पूजा यहाँ पर हो रही है। ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। पास में भद्रावती नगरी है और इस महादेव जी के विषय में कहा जाता है कि भागवत महापुराण में भद्रावती नगरी का उल्लेख है। वही भद्रावती नगरी यहाँ पर पास में है और महादेव जी का पूरा मंदिर है। भगवान महादेव की कृपा से शरीर का नाम है गुसाई योगेंद्रपुरी करसनपुरी और 20 साल से यहाँ महादेव के चरण में उसकी पूजा करते हैं। जहाँ तक रखे उसके चरण में है और सब हम उसकी इच्छा से चल रहे हैं। जब भूकंप आया था तो भूकंप में पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया था। उसके बाद में श्रद्धालु लोग, दाताओं ने, ट्रस्टियों ने सब ने मिलकर मंदिर वापस जीर्णोद्धार कराया और 2005 में वापस उसकी मंदिर की प्रतिष्ठा किया। लेकिन जो स्वयंभू लिंग है वो उस टाइम पे भी वही था। और ऐसा कहते हैं कि जब पांडवों के समय था तो पांडवों के समय में यहाँ पे पांडव आए थे, उन्होंने गांव में कुआं बनाया है भद्रावत नगरी में। वो कुएं से जल ले आके यहाँ पूजा करते थे, ऐसी की लोक कथा है। और वो कुआं आज भी है, आज भी उसका पानी चालू है, आज भी वो पानी बसई तीर्थ में जाता है और यहाँ पे वो लोग पूजा करने आते थे। अंजार से यहाँ पर हर सावन मास में रुद्राभिषेक करने के लिए हम लोग आते हैं और इसी के साथ इस मंदिर में बहुत से लोग बहुत सी जगह से रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं। हम लोग सब साथ मिलकर इकट्ठे होके भगवान की सेवा में महोत्सव पर्व का आयोजन करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भगवान का चार प्रहर पूजन होता है और इसी के साथ यहाँ पर महादेव जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ का आयोजन होता है और महाआरती और उसके साथ 12 से 15 हजार लोगों का हरिहर होता है। एक महाराज थे, वीरदास उनका नाम था और 350-400 साल पहले यहाँ पे उन्होंने कमल पूजा किया था। कमल पूजा मतलब महादेव की पूजा करते करते अपना सर उसके ऊपर महादेव को अर्पण कर देना, ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। और आज भी इस जगह के अंदर इनका सतत पेरा रहता है, कईयों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पे मंदिर में कल्प वृक्ष है, ये एक बड़ी महत्व की बात है। 2008 में ये बगीचा बनाया था, तब उसमें ये झाड़ आ गया था। ये तब हमें मालूम नहीं पड़ा था, हम समझते थे कि कदम का है, कदम का है। लेकिन जब वो उसकी जब जांच किया तब मालूम पड़ा कि ये भी कल्प वृक्ष है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से सब रत्न निकले थे, गौ निकली थी, लक्ष्मी निकली थी, फिर लास्ट में जहर निकला था। जहर तो महादेव जी ने ले लिया, फिर उसमें से ये वृक्ष भी उसमें से निकला था, कल्प वृक्ष में से, समुद्र मंथन से। तो ऐसे भारत के अंदर बहुत कम झाड़ है। अपन कोई भी इसके आगे कल्पना करे वो अपनी कल्पना पूर्ण हो, इसीलिए उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं।
ये शिलालेख सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करा के लिखा के रखा था। कोई इसको 1150 साल हुआ है, उस टाइम पे कोई भूकंप आया होगा, मंदिर गिर गया होगा। सिद्धराज जयसिंह जो पाटन के राजा थे, वो यहाँ से निकले थे, सिद्ध से आ रहे थे, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करा के ये शिलालेख उसने लिख के रखा। इसमें 4 गांव उसने अर्पण किए हैं और उसका पूरा नाम है। ये भूकंप के अंदर जब भूकंप आया था तब इसका सब काटमार उठाते थे, तब इसके अंदर दूसरे शिलालेख निकले उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। उसके बाद में अभी जो भूकंप आया था उसको 100 साल हुआ, मंदिर था 100 साल का। उस मंदिर का जो ये गिर गया था ऊपर का ये चंद्र उसका ऊपर का है। ये उस समय कोई कारीगर थे गुजराती, तो ये गुजराती में लिखे थे, ये खेड़ों के कारीगर, उसका नाम पूरा गुजराती में लिखा हुआ है। और ये लिपि है वो पढ़ने नहीं आती, वो उस समय की लिपि है। चलो जय भगवान। ये प्राचीन बैठक है, कोई समय में यहाँ पे साधु महात्मा बैठते थे और इसका संचालन कच्छ राज करते थे। कच्छ राज के समय में ये जागीर थी। खेंगार जी कच्छ राज के यहाँ के राजा थे, खेंगार जी, तो उनके वहाँ उनका संचालन ये जागीर का उन लोग से चल रहा था। उसका हमने ये जगह में उसका एक फोटो भी देखा था जो भूकंप में रसदस हो गया है। एक महात्मा ने बताया था कि जहाँ पे 3 झाड़ होते हैं वहाँ पे कभी काल नहीं होता है। वो तीनों ही झाड़ यहाँ पे है, एक एवन, सेवन और उमरा, वो 3 झाड़ है। वो तब से कभी यहाँ काल नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम बरसात होती है। ये है एवन का झाड़ जिसमें लाल फूल होते हैं, वो 7 हो रहा बाजू में। ये 3-4 झाड़ है इसके, इसमें ऐसे फूल होते हैं लाल। ये पत्ते इतने इतने बड़े होंगे, फिर छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर सीजन पूरी होगी पत्ते गिर जाएंगे। अच्छा, एक आपको जड़ी बूटी का बता दे, वे निगोर बोलते हैं गुजराती में, और रामदेव जी महाराज की भाषा में इसको निरगोटी बोलते हैं। इसका पत्ता गर्म पानी में उकाल के 1 गिलास का आधा गिलास पानी कर ले, 40 दिन तक पीते हैं तो ये घुटने का दर्द निकल जाता है। तो मुझे कोई 5 साल पहले ये घुटने का दर्द हो गया था, मैं यहाँ से वहाँ तक चल नहीं सकता था। मैं 2 महीना इसका पानी पिया, अभी तक मेरा घुटना दुखता नहीं है। जब ये मंदिर का निर्माण हुआ उसकी तारीख, उसका समय, भविष्य में कभी भी कुछ हानि हो, उस हानि में कुछ भी हो, मंदिर का धीरे मंदिर ध्वंस हो जाए, तो हमें पता चले कि इस मंदिर का कब निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, इस सबका इतिहास इस मंदिर के यहाँ पर ऊपर एक कैप्सूल में लगा हुआ है। ये कैप्सूल है जी, इसमें जो गोल जो लिखे उसके अंदर एक पूरा तांबे का एक पूरा पत्र है, उस पत्र के अंदर से क्या बात, बहुत अच्छा।